अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शेज़ किचन। शेज़ किचन में आज बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ड्रमस्टिक्स हम रेडी करेंगे। ड्रमस्टिक्स बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप इसे 2 महीने तक फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कैसे करेंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, ये सब हम रेसिपी में देखेंगे। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलें रेसिपी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन हमने लिया है, 1 ब्रेस्ट का पीस लिया है जो कि तकरीबन 400 ग्राम है। 2 अदद हमने लिए हैं मीडियम साइज़ के प्याज, इसे हमने चॉप कर लेना है। और ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इसे भी हम चॉप कर लेंगे। ब्रेड के 4 स्लाइसेस हैं, इसका हम ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे और चिकन को भी हम अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेंगे। चिकन का कीमा बनाते हुए हमने इसमें शामिल कर ली थी 4 अदद हरी मिर्चें और 1/2 टीस्पून लहसुन, और इसे बहुत फाइन सा हमने कीमा बना लिया है। ब्रेड क्रम्स भी हमने जो है वो चॉपर में डाले और अच्छे से इसे क्रश कर लिया। प्याज जो हमने लिए थे, इसे हमने क्रश करने के बाद अच्छे से इसका पानी जो है वो ड्राई कर लिया है। मलमल के कपड़े में या हाथों की मदद से भी आप ड्राई कर सकते हैं ये प्याज को। 1 अदद अंडा हम लेंगे और स्पाइसेस हैं हमारे पास, और ये हमारे पास है सोया सॉस 2 टेबल स्पून। ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए हमने जो चीज़ें रेडी की हैं इसे अब हम बाउल में शामिल करते जाएँगे। तो हमने डाल लिया है कीमा और हमारे पास जो प्याज है इसे भी शामिल कर लेंगे। स्पाइसेस में है हमारे पास है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून हम डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च, 2 टेबल स्पून डालेंगे सोया सॉस, 3 से 4 टेबल स्पून हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। और अब सारे स्पाइसेस और सारी चीज़ें हमने एक बाउल में ऐड कर ली हैं, अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन का कीमा हमने रेडी कर लिया है ड्रमस्टिक्स के लिए, इसमें स्पाइसेस भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब कोटिंग के लिए हमें चाहिए 1 अदद अंडा, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और ये क्रम्स हैं हमारे पास, ये इसकी स्टिक्स हैं जिसे हम इसके ऊपर हम इसकी कोटिंग करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन ड्रमस्टिक्स हम रेडी करते हैं। अब थोड़ा सा चिकन हम लेते हैं और इसे हाथ पे रखेंगे और एक स्टिक को उठाएँगे और इसे सेंटर में रखेंगे और हाथों की मदद से इसे अब हम शेप दे लेंगे। अच्छे से बाइंड करते जाएंगे इसे ताकि ये जब हम इसे फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी ना खुले। और लास्ट में जब ये इसे हम बंद करेंगे तो उसे भी लास्ट में थोड़ा सा दबा देंगे ताकि इसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह ना जाए और यहाँ से ये खुले नहीं, यहाँ से बिल्कुल इसे ऐसे दबा के प्रेस कर देंगे। तो ये ज़बरदस्त सी ड्रमस्टिक्स हमारी हो गई है रेडी। पहले इसी तरह हम सारी ड्रमस्टिक्स बना के रख लेते हैं। ड्रमस्टिक्स हमने थोड़ी सी बना ली हैं और अब इसे हम कोट करते हैं अंडे के साथ। स्टिक की मदद से ही हम इसे अंडे में डिप करेंगे और किनारे पे लाएंगे ताकि एक्स्ट्रा जो हमारा अंडा है वो इस पे से उतर जाए। और अब इसे हम रख देंगे क्रम्स के ऊपर और स्टिक की मदद से ही हम इसे अच्छे से क्रम्स लगाते जाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी ड्रमस्टिक्स बनकर रेडी हो जाएंगी और बिल्कुल भी हमारे हाथ वगैरह नहीं भरेंगे। देखें, स्टिक से ही हमारा सारा काम हो जाएगा। ये तो देखें, ड्रमस्टिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कोटिंग हो चुकी है रेडी, क्रम्स भी लग गए हैं। इसी तरह से हम सारी ड्रमस्टिक्स रेडी करके रख लेंगे। तो मैंने इसे ट्रे में फैला के रख दिया है, अब मैं इसे फ्रीज़र में रख लूँगी। 3 से 4 घंटे इसे हम फ्रीज़ होने देंगे और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर इसे हम जो है वो पैकेट में इसे रख के 2 महीनों के लिए हम इसे सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ना ही इसका टेस्ट ख़राब होता है। तो मैंने इसे फ्रीज़ कर लिया था और अब नेक्स्ट डे इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी है, आप इसे घर पर ज़रूर तैयार करके दें, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। टी टाइम में भी आप इन्हें बनाकर खा सकते हैं, कोई भी गेस्ट आ जाएं तब भी आप इन्हें बनाकर जल्दी से अपने गेस्ट को मज़ेदार सी ड्रमस्टिक्स सर्व कर सकते हैं। तो मैंने घी को दरमियानी आँच पर गर्म किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, और इसमें 1 बाय 1 ड्रमस्टिक्स को हम रखते जाएँगे और हल्की आँच पर इसे पकाएँगे, बिल्कुल भी तेज़ नहीं वरना ये एकदम से जल जाएंगी और ब्राउन सा कलर हो जाएगा। तो अब इसे स्टिक्स की मदद से ही हम टर्न करेंगे। तो देखें कितना अच्छा हमारा कलर आ गया है।
इसी तरह बारी बारी सबको हम टर्न करते जाएंगे और इसी तरह 3 से 4 मिनट लगे हैं एक साइड को पकने में और इसी तरह 3 से 4 मिनट हम इसे दूसरी साइड से भी ब्राउन कर लेंगे। जी तो देखें कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह हमारी ड्रमस्टिक्स पे और बहुत ही टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार होंगी। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़ेदार सी ड्रमस्टिक्स। अब हमने दूसरा राउंड भी डाल लिया है और इसे भी हम इसी तरह गोल्डन ब्राउन करते हैं और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी तो ये ज़बरदस्ती हमारी ड्रमस्टिक्स हो गई हैं रेडी और बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और रेसिपी अच्छी लगे तो बिल्कुल भी मत भूलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।